10 तारीख से देश भर में गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद लोगों द्वारा गणपति बप्पा को घर पर स्थापित कर पूजा अर्चना करने के पश्चात उनका विसर्जन करने की परंपरा है। वहीं लोगों द्वारा शहर के नजदीक पड़ते दरिया और नदियों में गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। बीते दिन पठानकोट शहर के बजरी कंपनी मोहल्ले के लोगों द्वारा चक्की दरिया में गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा था और उसी दौरान अचानक पैर फिसलने से बसंत कॉलोनी का रहने वाला रवि नामक लड़का चक्की दरिया में बह गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उसे बचाने के कई प्रयास किए गए पर लड़के का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके बाद पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के नूरपुर से NDRF की टीम और गोताखोर बुलाए गए, जो बीती रात से ही लड़के की तलाश में जुटे हैं, परंतु अब तक लड़के का कोई पता नहीं चल पाया है। जनसेतु के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। कल विश्वधर जी गणपति ना ते बच्चे ना पैर उसने फिसल गया, शादी शुदा सी, ठीक है जी। उसने एक बच्चा भी है, गरीब है। इंजीनियरिंग टीम भी हिमाचल तो इधर सारी आई हैं, वही गोताखोर अपनी कोशिश पूरी करते पे, कोई कमी नहीं छड़ते पे। तो साढ़े वास्ते गरीब बंदा है बेचारा, उसने कुछ नहीं बनने वाला। तो असं गौरमेंट नाल ऐसी प्रार्थना करने कि उसने कुछ ना कुछ मुआवजा करे, तो उस वास्ते कोई ना कोई सुविधा करे। बस मूर्ति विसर्जन करने आए थे बसंतपुर से, बसंत कॉलोनी पठानकोट से। तो मूर्ति विसर्जन करने के दौरान जो है एक लड़का पानी में डूब गया, उसका नाम रवि कुमार, सन ऑफ किशोर चंद, निवासी बसंतपुर, बसंत कॉलोनी पठानकोट, जिसको पहले तो लोकल यहाँ के गोताखोर ढूंढते रहे। उसके बाद जो है NDRF टीम जो है नूरपुर से बुलाई गई। रात को भी उन्होंने इसमें छानबीन करी, लेकिन नहीं पता चला। अब दिन के समय भी इसकी जो है तलाश कर रहे हैं और NDRF टीम जो है काम कर रही है।